नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं जिप पे लेटर के बारे में। जिप पे लेटर में क्रेडिट लिमिट बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, कितने दिन बाद बढ़ी है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा कि जो जिप पे लेटर है, मोबीक्विक जो ऐप है, वहाँ पर आपको लिमिट मिलती है जिससे आप यूटिलिटी बिल्स भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आप पेमेंट उससे कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप अगर मोबीक्विक यूज़ करते हैं और जिप पे लेटर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। तो उसी में 21,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट जो है मेरी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे होंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा साथ ही साथ, जो रीज़न है वो ये है कि टाइमली रीपेमेंट मैंने उसमें किया था और उसके बाद जो 21,000 की क्रेडिट लिमिट वहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम से बढ़ी है। पहले 1,000, 1,500 इस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन अभी 21,000 रुपये उन्होंने मेरी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ की है। अब यहाँ पे एक रीज़न और सामने निकल के आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया, टाइमली रीपेमेंट करना, और दूसरा ये भी है कि समय से पहले ही मैं कोशिश करता हूँ कि जो पेमेंट है वो कर दूँ, यानी कि बिल जब जनरेट होता है उससे पहले ही आपको बिल पेमेंट जो है वो कर देना है, जो मैंने किया है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उस वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि किस तरह से पता चला। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे मैसेज नोटिफिकेशन आया कि क्रेडिट लिमिट आपकी इंक्रीज़ कर दी गई है। उस पर मैंने क्लिक किया, ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में जाकर के मैंने देखा तो वहाँ पर 21,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। और वहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल गया, पहले 6,000 शायद 500 थी और अभी क्रेडिट लिमिट उसमें 21,008 होकर के जो होम पेज है जहाँ पर क्रेडिट लिमिट आपको इस तरह से दिख रहा होगा, वहाँ पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर जो 21,000 प्लस 6,000 27 प्लस ही है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ देख रहे होंगे, तो लगभग 27,000 प्लस मेरी जो क्रेडिट लिमिट है जिप पे लेटर में अब हो चुकी है। और जो बड़ा रीज़न है वो यही सामने निकल के आ रहा है और नोटिफिकेशन भी यही आया था कि आपने टाइमली रीपेमेंट किया है और जो आपने क्रेडिट लिमिट यूज़ की है उसको, और साथ ही साथ जो मुझे पर्सनल मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मैं टाइम से पहले ही पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले महीने मेरी जो ड्यू डेट थी उसमें जो अमाउंट पेंडिंग था उसका ओवर ड्यू हो गया था, तो उसमें कुछ चार्जेस भी लगे थे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, 300 प्लस चार्जेस लगे थे, तो तब भी मुझे अगले महीने में ये जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज़ होने का मैसेज मुझे रिसीव हुआ। तो मुझे लगता है कि आप टाइमली पेमेंट करते रहिए और उसके बाद आप जो क्रेडिट लिमिट यूज़ करते हैं उसका जो ड्यू डेट आता है, अमाउंट बिल जनरेट होता है, तो उससे पहले भी पेमेंट आप कर सकते हैं, तो चांसेस आपके बढ़ते हैं कि क्रेडिट लिमिट आपकी इंक्रीज़ हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और टाइमली पेमेंट करिए, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करिए, क्रेडिट लिमिट आपकी जिप पे लेटर में इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगली वीडियो में ये भी बनाऊंगा कि जिप पे लेटर आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।